एक बार की बात है कि एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। अपने साथियों के साथ शिकार करते करते वो मार्ग भटक गया। रात्रि हो गई और जंगल में बारिश भी होने लगी। फिर कुछ उसे ना सूझा तो चलते चलते वो जंगल से बाहर तो आ गया, लेकिन रास्ता पूरी तरह भटक चुका था। तो उसे एक गांव, दूर से गांव दिखा और गांव क्या उसे एक रोशनी सी दिखी और उसी के सहारे वो आगे बढ़ता गया तो एक गांव पहुंच गया। देखा कि एक गांव के किनारे ही एक किसान की झोपड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक किसान बाहर आया। उसने ये नहीं बताया कि मैं राजा हूँ, उसने बताया कि मैं राजा का एक कर्मचारी हूँ और रास्ता भटक गया। उस व्यक्ति ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ उसको अंदर ले गया। अंदर किसान की पत्नी, तो उसके भींगे कपड़े, उसको बदले में कुछ कपड़े दिए, उसने कपड़े पहने और उसको उसकी पत्नी ने अच्छा सा भोजन कराया। और राजा ने चूंकि काफ़ी भूखा था तो भरपेट भोजन किया, उससे नींद आ गई, सो गया। और उस सुबह होने पर जब राजा वहाँ से चलने लगा तो उसे एक पर्चा कागज पर लिख कर दिया, चूँकि किसान पढ़ा लिखा नहीं था, लिख कर दिया और कहा कि कभी भी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो इस पते पर आ जाना और मैं राजा से आपको मिलवा दूंगा और आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। दिन बीतते गए, किसान का जीवन अच्छे से बीत रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा, पूरे गाँव में त्राही त्राही मच गई और किसान भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो उसे उस पर्चे की याद आई। किसान उस पर्चे को लेकर शहर गया जहाँ पर वो राजा रहता था। तो पहुँचते जब उसने वो पर्चा बाहर जो सैनिक थे और जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको पर्चा दिखाया, तो वो उस पर्चे को देखकर उसको राजा तक ले गए बड़े सम्मान के साथ। तो जब जो राजा के पास पहुंचा तो पता लगा कि राजा मंदिर में अभी पूजा करने गए। तो जो सैनिक था उसको वहीं तक मंदिर के बाहर छोड़ दिया और कहा कि यहीं पर आपको राजा मिलेंगे। तो उस व्यक्ति ने अंदर जाकर देखा तो राजा भगवान की मूर्ति के सामने बैठा, कह रहा था कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे और धन दौलत दो और शक्ति दो, जिससे कि मैं अपने जीवन को, अपने राज्य को, राज्य की सीमा का और विस्तार कर सकूं। तो किसान ने देखा कि ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ये व्यक्ति जब खुद भगवान से भीख मांग रहा है भिखारियों की तरह, तो ये मुझे क्या दे सकता है। तो वापस उसने पर्चा वहीं फेंक दिया और वापस अपने घर चला आया। जब राजा पूजा करके बाहर आया, उसने पर्चा देखा तो उसे याद आ गया कि वही पर्चा है जो मैंने किसान को दिया था। तो उसने सैनिकों से पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ गया, तो सैनिकों ने कहा कि वो अभी अभी चला गया। तो राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा कि ये शीघ्रता से उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। लेकिन जब उसे ढूंढने गए तो उसने मना कर दिया और बोला कि मुझे राजा से कुछ नहीं चाहिए, और वो अपने घर वापस आया। तो राजा अपने सैनिकों के साथ उसके घर वापस आया और उससे क्षमा याचना मांगी और कहा मुझे माफ़ कर दो और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। और उसने सैनिकों को कहा कि इनका ही नहीं, इनके पूरे गांव के भोजन आदि का प्रबंध किया जाए। तो कहानी ये थी कि भिखारी राजा, जब उस किसान ने देखा कि ये राजा जब खुद मांग रहा है तो मैं इससे क्यों मांगूं। कहानी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, आप लोगों के बीच शेयर की और आगे भी आप लोगों के लिए कहानी लाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़ें और कमेंट जरूर किया करें और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक भी कर दिया करें।